हेलो दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट। वैसे तो ये बहुत ही बेसिक है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ये गलती करते हैं कि वो लाइफ टाइम ये सोचते रहते हैं कि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर एक्चुअल में वो सेविंग कर रहे होते हैं। तो आइए जानते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क होता है। सेविंग मतलब वो पैसा जो इनकम में से एक्सपेंस कम करने के बाद बचता है। ये पैसा हम कैश, बैंक सेविंग, बैंक FD ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में डालते हैं, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट्स हमें इन्फ्लेशन रेट से कम रिटर्न कमा कर देते हैं। तो क्या इन इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि कुछ पैसा, जैसे कि हमारे 6 से 12 महीने के खर्च, और वो पैसा जिसकी ज़रूरत हमें आने वाले 1 से 2 सालों में पड़ सकती है, वो हमें इन इंस्ट्रूमेंट्स में ही रखना चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के लिए हम इन इंस्ट्रूमेंट पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि इन इंस्ट्रूमेंट में हमें टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ता है। लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के लिए हमें करना पड़ता है इन्वेस्ट ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में जो हमें इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा की रिटर्न कमा कर दें, जैसे कि शेयर्स, म्यूचुअल फंड, रियल इस्टेट्स। और इन इंस्ट्रूमेंट्स में हमें टैक्स भी कम पे करना पड़ता है। तो दोस्तों, इन्वेस्टिंग का सीधा सा मतलब होता है पैसे से पैसा कमाना, वहीं दूसरी तरफ सेविंग करने से हमारे पैसे की कीमत कम होती जाती है। लेकिन सेविंग भी ज़रूरी है, लेकिन छोटे अवधि के लिए सिर्फ। लॉन्ग टर्म में वेल्थ के लिए हमें थोड़ा सा रिस्क लेकर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। कुछ लोग लॉन्ग टर्म में यही बेसिक गलती करते हैं, वो लॉन्ग टर्म में भी ऐसे छोटे सेविंग स्कीम्स यानी कि बैंक FD, RD में पैसा लगाते हैं, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनके पैसे की कीमत गिर जाती है। इसको मैं 2 बहुत फेमस दोस्तों की कहानी से आपको समझाता हूँ, जिनकी इनकम 30% के टैक्स ब्रैकेट में थी। राम ने इन्वेस्ट किए 10,000 रुपये पर मंथ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में फॉर 10 सालों के लिए। वहीं श्याम ने इन्वेस्ट किए 10,000 रुपये बैंक RD में 10 सालों के लिए। दोनों ने 10 सालों में 12,00,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। राम ने उस पर रिटर्न कमाया 8%, वहीं श्याम का रिटर्न था 6% का। तो इस हिसाब से राम का प्रॉफिट हुआ 6,500,000 के आसपास का, और वहीं श्याम का प्रॉफिट हुआ 4,500,000 का। राम ने इस प्रॉफिट पे टैक्स दिया 54,000 रुपये का। दोस्तों, टैक्सेशन के नियमों के हिसाब से अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 1 साल से ज़्यादा के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस पर 1,00,000 रुपये तक का प्रॉफिट टैक्सेशन से एग्जेम्प्ट होता है, और उसके अलावा जो प्रॉफिट बचता है उस पर सिर्फ 10% का टैक्स होता है। तो इस हिसाब से राम ने पे किए 54,000 रुपीज़। वहीं दूसरी तरफ श्याम ने अपने 4,500,000 के प्रॉफिट पे, यानी जो उसको इंटरेस्ट का प्रॉफिट हुआ, उस पर उसने पे किए 1,48,000 रुपये। टैक्सेशन के नियमों के हिसाब से हमें रेकरिंग डिपॉजिट के इंटरेस्ट पे अपने स्लैब रेट के हिसाब से, यानी कि 30% श्याम के केस में इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो दोस्तों, राम ने प्रॉफिट भी ज़्यादा कमाया और टैक्स भी कम दिया, वहीं दूसरी तरफ श्याम ने प्रॉफिट भी कम कमाया और टैक्स भी उसे ज़्यादा देना पड़ा। इस वजह से राम को 10 सालों में लगभग डबल प्रॉफिट हो गया श्याम से, और राम ने इन्फ्लेशन से ज़्यादा पैसे कमाए, यानी कि अपने पैसे पे पैसा कम। वहीं दूसरी तरफ श्याम के पैसे की कीमत कम हो गई, और वो इन्फ्लेशन रेट को भी बीट नहीं कर पाया। दोस्तों, आज 10 सालों के बाद राम सिंगापुर, स्विट्जरलैंड की ट्रिप प्लान कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ श्याम आज भी मेक माई ट्रिप पे डिस्काउंट कूपन्स का वेट कर रहा है अपनी फैमिली को मनाली लेके जाने के लिए। दोस्तों, लाइफ टाइम में ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हमारे को काफ़ी नुकसान हो जाता है, और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे पैसे की कीमत लगातार घटती चली गई। लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको इन सब चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए, और उसी हिसाब से आगे इन्वेस्ट भी करना चाहिए, ताकि आप एटलीस्ट इन्फ्लेशन रेट को बीट कर सकें। मेरी तरफ से आज इतना ही। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपको CA से रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, मैं उस पर एक वीडियो बना के आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।